देखो गरीब को, सऊदीया से तू कमा के आया, मुझे यहाँ पे हजारों में दे रहा है। भाई हजार रियाल निकाल निकाल हजार। ये जो ये मेरे दोस्त हैं, ये दूसरे मुल्क के बिछड़े हुए दोस्त हैं। अरबी आती है, हाजा अंता आना, हाजा अंता आना, यहाँ पे खल्ली वल्ली हुए। सऊदी को ऐसा समझ आएगा वो मुसल्ला बिठा के बैठ जाएगा। चलो जी इमाम साहब शुरू करने लगे खुतबा। मैं तुझे बोला भी नहीं पढ़ाना, नहीं पढ़ाना, मैथमेटिक्स नहीं होती मुझसे। बाबा की तरह पढ़ाऊंगा। मस्तूरात और उनके सगे भाइयों, कैसे हो आप लोग? वेलकम टू डे थ्री बिट्टे। थोड़ा सा लेट हो गया व्लॉग स्टार्ट करने में, मतलब वो कोई नहीं, 7 बज गए रात के। इफ जोनी गिव जोनी टेक्स 2 कैंडी व्हाट डज ही हैव? शुगर ना बोल दी। व्हाट डज ही हैव? नथिंग। नो, ही हैज 2 मोर कैंडीज। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। पिच्छे हो, हद होती है भाई। खुद की मैच पढ़ी नहीं गई, इसको पढ़ाएंगे। तो बेटे आज का प्लान थोड़ा सा मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ ये कि आज हम जिम को मिस करा के अपने पिछड़े दोस्तों से मिलने जाएंगे। अच्छा वैसे थोड़ा सा ना कॉन्टेक्स्ट भी आपके लिए जानना मुनासिब होगा। ये जो ये मेरे दोस्त हैं, ये दूसरे मुल्क के पिछड़े हुए दोस्त हैं, कदीम दोस्त हैं। मैंने यूज्ड टू लिव इन सऊदी अरेबिया, तो 6th class, 3rd, 4th, 5th इन्हीं के साथ गुजरी थी। मुझे पता है तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल आई एम सेइंग कि वहां के जो दोस्त हैं, फिर कनेक्शन में आना, उसके बाद मिलना, इट्स ऑलवेज समथिंग जो कि बंदा चाहता है। हो अब ये है कि 8 बजे का प्लान है, अभी 7 बजे वाले हैं। मुझे एक रील ठोकनी है, रील के लिए मैंने कोई सामान तैयार नहीं किया यार। रील का आइडिया तो आ नहीं रहा। ओए यूशा को पकड़ता हूं। ओए बात सुन, ओ छैया छैया कर, चल खड़ा हो, जरा खड़ा हो, छैया छैया कर। तू मान गया? तू मान गया? तो मानो मतलब ये मैथमेटिक्स पढ़ने से बेहतर है तू छैया छैया कर ले। खैर अब ऐसा नहीं है, व्हाट्सएप ग्रुप हमारा बना हुआ है, लेकिन उसमें मुलाकात का सीन यही है कि अगर कोई कहे ना पिज्जा खाएं, तो वो फिर उसको इंशाल्लाह ही लिखते हैं, फिर इंशाल्लाह करके 4 साल निकल। एक लड़का है सऊदी से, वो आया हुआ आजकल, ठीक है, तो वो कहता है यार मिल लेते हैं। तो हमने कहा चलो यार ट्राई करने में, तो वो प्लान बन गया फिर, है प्लान बन गया, वो बनना नहीं चाहिए, मेरा मतलब वो बन गया फिर। मैंने राइट साइड करवा ली थी, बंदा बाहर वेट कर रहा है, निकलते हैं बस। आपका भाई तैयार हो गया, लशपश लग रहा है, सर्दी वैसे हो गई शुरू, चलें। आखिर में हमारा प्लान में ही दचीज का बना। वैसे तो जगह अच्छी है, पर जेब का अच्छा होना ज्यादा जरूरी है यहाँ। भाई सीन इस तरीके से है कि मैं आज आपका इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये तलहा है, ठीक है, और ये है समी। ये बेसिकली मेरे इतने पुराने बिछड़े हुए दोस्त हैं, जो आप मार्केट में, हम उस जमाने के दोस्त हैं, जब आप मार्केट में अम्मी के साथ जाओ ना, तो वो फोन उनका पकड़ के दोस्तों को दिखाने वाला, मतलब फोन अपना होता नहीं था, सही है, वो उस फ्लेक्स वाले के जमाने के दोस्त हैं। भाई तू उसमें क्यों नहीं आया, तो टॉप में क्यों नहीं आया यार? वो हर जगह नहीं आना चाहिए ना, ओ माय गॉड, को बताना नहीं है। ओ माय गॉड, लिटरली आज मैं टॉप में आने लगा था, मैंने पिछले मैच कवरेज करा था, मैंने कहा यार टॉप पहन के भी थी। लास्ट टाइम सऊदी कब गए थे यार? मेरे तो लॉन्ग टाइम हो गया। कितना टाइम हो गया? मुझे बताओ इसको, इससे मैंने पूछा था अभी ऑफ कैमरा के, पाकिस्तान सही है या सऊदी अरेबिया? दोबारा बता दो भाई। आई लव सऊदी अरेबिया। हमारे कौन कौन सी क्लास साथ पढ़े? 3 से 6 तक पढ़े साहब। आप यहाँ की ना प्राइसेस ना ही देखें, मैं तो कहता हूँ हार्ट अटैक आ जाएगा आपको, आप सीधा खाने की तरफ आते हैं। ये क्या है भाई साहब, ये क्या है? ये भाई आपको दिखने में पता नहीं क्या लग रहा होगा, मुझे क्या डिश का नाम बताया था? मशरूम फ्राइज। अच्छा मुझे तो भाई बाहर यहाँ ढाबे से फ्राइज खिला दो, मुझे कोई मसला नहीं। भाई हमारा खाना आ चुका है, ये पर देखो यार, बायकॉट इजरायली प्रोडक्ट्स, पानी भी हो डाइट में मसला। हाँ पानी पानी कर दें यार, आज आप यार बोतलें बंद कर दें इजरायल की सपोर्ट में। यार आपने इसकी शक्ल पर नहीं जाना, ये सिर्फ आलू है, सही है, ये पकड़ लो, अपने घर से आलू पकड़ो और खाना शुरू हो जाओ, अगर आपको ऐसी फील चाहिए, है ना? आलू है ना, इसने समझा कि प्राइस है। मैंने बोला प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग, कसम से। अच्छा मैं तुम्हें तलहा की एक बात बता दूं, मैं आप लोगों को, ये जो हमारे स्कूल का जो सबसे पप्पू बच्चा होता है, सभी मानते हो, पप्पू तरीन था ये, सीधी बात है। तुम्हें बुली का है, मैं अच्छा इंसान हूँ, बुलिंग के खिलाफ हूँ, लेकिन ठीक है मैंने की जो बंदा करता है ना, फिर बड़े होकर वो भाषण भेजता है कि मैं इससे खिलाफ। ये मुझे बोल रहे हैं कि जब हम दोस्त बने थे ना, वो ऐसे बने थे कि हम लोग बेसिकली
विक्टम्स थे किसके इसके देखो गरीब को सऊदीया से तू कमा के आया मुझे यहाँ पे हजारों में दे रहा है भाई हजार रियाल निकाल निकाल हजार एनीवेज यहाँ पे हमारा काम तमाम हो गया मीठे मीठे के लिए निकले जी जी टाइम कम है मीठे के लिए निकले हाँ भाई मीठे के लिए क्या करने ये जेबीज हमारे सामने और एक स्वीट क्रीम है लेकिन उसने मुझे बोला एक और ऑप्शन क्या नाम है जीरो डिग्री है आई गेस मैंने सुना वहाँ के वॉफल्स ट्राई भी किए वॉफल्स और मिनी पैनकेक अच्छा अरबी आती है वैसे ये बड़ा सवाल है जो पूछा अरबी आती है हाजा अंता आना हाजा अंता आना यहाँ पे खल्ली वल्ली हुई अरबी कितनी को आती है अरबी ये वो चीज है जो दुकान में ऑर्डर करने के लिए बंदा पूछता है शोया शोया मुझे गालियां सारी आती है स्कूल में सबने गालियां सारी आती है वैसे तो मैं मीठे में जेबीज की आइसक्रीम मुकाता हूँ ये पता नहीं पैनकेक्स वगैरह वॉफल्स वगैरह ये मुझे नहीं समझ आता लेकिन चलो ये आपका क्या ये क्या है ये वॉफल्स है सपोजिंग और ये आपका मिनी पैनकेक हमें एक बड़ी मजेदार चीज पता चली है ये जो तलहा है ना ये जिस कंपनी में काम करता है ये सब ट्रिप पे आया हुआ है ट्रिप पे आया तो जो भी ये जहाँ भी जाएगा वो तुम्हें रीइंबर्स हो जाएगा कंपनी की तरफ से यानी जितने मर्जी पैसे खर्च करो तो बेटे फिर हमारे से बिल क्यों अदा करवाया वहाँ पे हाँ क्यों अदा करवाया गैर मुनासिब है वो मैं खुद इंजॉय करूंगा वैसे थोड़ा सा अरबी में तुमने कुछ बोलना है कुछ भी बोलना है थोड़ा बहुत मुझे तो समझा दे नुसलाला मेरा वरना मैं अबू को बुला लूंगा नहीं यार जज नहीं करना मुझे आती है मैं जॉब कर रहा हूँ अरबी में थोड़ी देर बात करते हैं समझते हैं नहीं होता अच्छा यार उधर रह के आया है और तेरी वो यसन अल कुरान वाली है यार अरबी अरबी में भाई यूनिवर्सिटी मेरा एक स्टार आया था ये क्या वो हालू का करके आया था सही है कि नहीं है इतना है कि सऊदी को समझ आ जाएगा सऊदी को ऐसा समझ आएगा वो मुसल्ला बिठा के बैठ जाएगा चलो जी इमाम साहब शुरू करने लगे खुतबा इस वक्त अभी मैं तलहा के साथ गाड़ी में हूँ हम लोग अभी बातें कर रहे थे रास्ते में ये है कि भाई कैसे हम लोग उस वक्त से निकल के थर्ड क्लास से भाई थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स से निकल के यूनिवर्सिटी जॉब होल्डर वो भी सारा टाइम गुजर गया 23 मतलब इट्स बीन टाइम तो भाई रात के 11 बज गए और ये सीन है कि मैं वापस आ गया हूँ वैसे अच्छा लगा था मिलके यार इतने टाइम बाद हम लोग मिले तीन बर्गर मिलके हम पास्ता खा रहे थे बर्गर तीन अच्छा वैसे यार जिम की वजह से मेरे डोले आ गए अब आप लोग सोच रहे हो कि जिम क्या तुमने तो डंडी मार दी आज तो सही सोच रहे हो तो यही है ना बी भाई का जिम अपना ही स्टाइल है तो यार अभी आपका भाई व्लॉग श्लॉग एडिट कर रहा है वो भी मुकान है लेकिन उससे पहले मैं आपको एक मजेदार चीज का दिखाता हूँ यार इस बंदे को पहचानते हो ना आप ये एपी दिलन है जहर से बात है इंडिया पाकिस्तान में धूम मचाई हुई इस बंदे ने यार मुझे भी इसका म्यूजिक पसंद था लेकिन फिर मैंने ये बेटे ये वाली वीडियो देख ली चेक करें ऑटो ट्यून के बगैर चुप कर ओ भाई इंसानियत से तो रिश्ता ही खत्म होता जा रहा है।